हरियाणा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। चुनाव को लेकर भाजपा, कांग्रेस, जजपा समेत तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो कांग्रेस भी जीत का दावा ठोक रही है। इस बीच अब कांग्रेस खेमे से बड़ी खबर आई है। दरअसल पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात की है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों के नाम और टिकट शेयरिंग पर चर्चा जारी है। सियासी गलियारों में चल रहे कयास के मुताबिक विनेश फोगाट को दादरी से टिकट दिया जा सकता है, वहीं बजरंग पूनिया बादली से टिकट मांग रहे हैं। लेकिन कांग्रेस इस सीट की जगह उन्हें किसी जाट बहुल सीट से उतारने का प्लान कर रही है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया से हाल ही में जब विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को लेकर सवाल किया गया था, तो बावरिया ने कहा है कि जिन 32 उम्मीदवारों का नाम पहले तय हो चुका है, विनेश फोगाट या बजरंग पूनिया का नाम उनमें नहीं है। जल्द ही इस मामले में स्पष्टता आ जाएगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मिलने के बाद पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल से भी मिलने पहुंचे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से अटकलें थी कि विनेश फोगाट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकती हैं। अब मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद इस बात की संभावना बढ़ती दिख रही है। राहुल गांधी से मुलाकात से पहले ही राजनीतिक हलकों में चर्चाएं थी कि अगर विनेश फोगाट सक्रिय राजनीति में प्रवेश करती हैं तो वो कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं। हाल ही में विनेश ने जींद, रोहतक और शंभू बॉर्डर पर खाप पंचायतों और किसानों से मुलाकात की, जहां उन्हें खाप पंचायत द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, जब मैं मुश्किल में थी तब किसानों ने मेरा साथ दिया। कांग्रेस ने भी विनेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कदम उठाए हैं। जब विनेश ने अपना रिटायरमेंट ऐलान किया तो कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा उनके साथ नजर आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी मांग रखी कि विनेश को राज्यसभा भेजा जाए, हालांकि उम्र की वजह से ये मुमकिन नहीं था। विनेश के चाचा महावीर फोगाट और चचेरी बहन बबीता फोगाट ने कांग्रेस की इस पहल की आलोचना की थी। विनेश फोगाट का संभावित राजनीतिक प्रवेश हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उनके खाप पंचायतों और किसानों के साथ मजबूत रिश्ते उन्हें चुनाव में बड़ा समर्थन दिला सकते हैं। हालांकि अभी तक विनेश ने राजनीति में प्रवेश करने का औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन काफी वक्त से राजनीतिक पार्टियां उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगी हुई हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट की भूमिका हरियाणा की सियासत में एक अहम मोड़ साबित हो सकती है। आपको बता दें, हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। पहले वोटिंग की तारीख 1 अक्टूबर और रिजल्ट की तारीख 4 अक्टूबर थी। हालांकि बीजेपी और NLO से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदान की तारीख बदलने की मांग की थी। आयोग ने इसके पीछे की वजह बताते हुए सफाई दी कि बिश्नोई समुदाय के मताधिकार और परंपराओं दोनों का सम्मान करने के लिए ये फैसला लिया गया है। बिश्नोई समाज ने असोज अमावस्या उत्सव में भाग लेने की सदियों पुरानी प्रथा को कायम रखा है। ये उस दिन अपने गुरु जम्बेश्वर की स्मृति में उत्सव मनाते हैं। राजस्थान की नौखा तहसील में पिछले करीब 490 साल से ये मेला लगातार आयोजित होता आ रहा है।